देखिए टूरिज्म एक प्रोडक्ट है, इधर हमारे अट्रैक्शन साइट्स हैं, इधर हमारे पब्लिक स्पॉट्स हैं, इधर हमारे खूबसूरत सी जगह हैं, ये एक प्रोडक्ट है। सबसे हमको उस प्रोडक्ट को सेल करना पड़ेगा। सेल तब करेंगे जब हमारे ऑब्जेक्टिव्स क्लियर हो, हमारी पॉलिसी क्लियर हो कि जी ये चीज़ें हैं हमारे पास और ये चीज़ें को हम पोर्ट्रे और प्रोजेक्ट करना चाहेंगे। देखें टूरिज्म गोज हैंड इन हैंड, हैंड इन ग्लव विथ मार्केटिंग और एडवर्टाइजमेंट। जब तक आप लोग और हम लोग हमारे खूबसूरत इलाकों को, चाहे कडानी बीच हो, चाहे सफर बीच हो, चाहे गोल्डन बीच हो, चाहे कुंभमली हो, चाहे न्यानी हो, चाहे ग्वादर हो, और मैं कोर की बात कर रहा हूँ, वैसे तो बहुत इलाके हैं, आप अभी ज्यारत जाएँ, अभी ब्यूटीफुल शॉट आया बर्फ और रोड में इसे गाड़ी जा रही है, ऐसे शॉट्स ऐसे जगहों की पूरे दुनिया में मिलेंगे। मैंने दो 10 साल बाद तकरीबन कोई 30 फोट में घूम गया है, मगर जितना पोटेंशियल हमारे पाकिस्तान में यकीन मान कहीं खाली थोड़ा सा डेवलपमेंट, खाली थोड़ा सा तवज्जो और एक मुनज़्ज़म पॉलिसी। देखें मैं यही कह रहा हूँ, फेडरल लेवल मीटिंग था आज, यही बात कर रहे हैं कि फेडरल लेवल के ऊपर, फेडरल लेवल पे कोई प्रॉपर पॉलिसी नहीं बनी, तो अगर फेडरल लेवल पे पॉलिसी नहीं बनी तो ऑब्वियसली प्रोविंस में किधर बनेगी, और 18वीं तरवीं के बाद तो ये सारी चीज़ें डिवॉल्व हो गई, ये प्रोविंस तक आ गई। मगर देखें प्रोविंसेस जो है हमारी वो अकेला ये काम नहीं कर सकते, वाई के पास ना रिसोर्सेज है ना कैपेसिटी है। ये अगर टूरिज्म की बात करें तो टूरिज्म जी खाली बलोचिस्तान के लिए फ़ायदेमंद नहीं, पूरे पाकिस्तान के लिए फ़ायदेमंद है। क्यों मैं इससे दो चीज़ें मैं नोट करता हूँ, एक तो देखें आप दुबई देखें, आप यूरोप में कई से जगह हैं, ईस्ट कोस्ट है यूनाइटेड स्टेट्स में, वेस्ट कोस्ट है कैलिफोर्निया है, न्यूयॉर्क है, मायामी है, फ्लोरिडा है, इन्होंने ऐसे एक इकोनॉमिक एक्टिविटी बनाया जहाँ की बिलियंस ऑफ डॉलर्स, अरबों रुपए में, खरबों रुपए में जी रेवेन्यू आता है। देखिए हमारा पर्पस है टूरिज्म का जो टू फोर है, एक तो जी इमेज बिल्डिंग, अच्छा कल्चर और टूरिज्म जो है हैंड इन हैंड जाता है, साथ है। जब आपका कल्चर का सॉफ्ट इमेज होगा, अगर हम अपना कल्चर को सॉफ्ट इमेज पोर्ट्रे करेंगे तब जाके ये प्रोडक्ट टूरिज्म के प्रोडक्ट्स हम बोलेंगे। क्यों? अगर हार्श कल्चर हम दिखाएंगे कि बलूचिस्तान के हार्श रिवायतें, हार्श सकाफतें, तो ऑब्वियसली लाजमी तौर पर नेशनल कम्युनिटी पे लोग आ सकते हैं, पर इंटरनेशनल कम्युनिटी के लोग नहीं आ सकते। अच्छा फिर जो रेवेन्यू है मोस्टली आता है इंटरनेशनल कम्युनिटी से, तो यही कहना चाहूँगा कि कल्चर एंड टूरिज्म की साथ ही साथ है और मिलता है। और जब हम अपना सॉफ्ट कल्चर, चाहे बलोच हो चाहे पश्तून हो, सॉफ्ट ऐसे में कल नहीं बल्कि मंडे को मैं बैठा हुआ था, पश्तून कल्चर डे था, ये ऑडियंस भरा हुआ था, वो 2500 लोग थे और मैं, मुझे आना था खाली वो 15-20 मिनट के, मगर मैं बैठ गया 2 घंटे के, मुझे खूब मजा आ रहा था। ये सॉफ्ट कल्चर था, परफॉर्मेंस थे, अपना आर्टिस्ट थे, बैठे हुए थे, अपना एक पश्तून का सॉफ्ट कल्चर देख रहा था, बड़ा मजा आ रहा था। तो हमको भी अक्रॉस द बोर्ड, देखिए ये बलोचिस्तान पाकिस्तान ये सब का है, इधर सब बसते हैं लोग, चाहे पश्तून हो चाहे बलोच हो, हमको अपना एक अच्छा इमेज, एक अच्छा पोर्ट्रेल लोगों के सामने लाना पड़ेगा, फिर जाके लोग आएंगे जाएंगे, फिर जाके लॉ एंड ऑर्डर सिचुएशन जो हमारी नेगेटिव सोच है या नेगेटिव ओपिनियंस है वो चेंज करेंगे, हम ही चेंज करेंगे, आप लोग चेंज करेंगे, और कौन करेगा जी, रहने वाले आप और मैं, और हमारे ऊपर जिम्मेदार है एज ए सियासतदान और आपके ऊपर एज ए कौम जो रहने वाले हैं। तो आखिर में जी टूरिज्म के बड़े डिफरेंट एस्पेक्ट्स हैं, आज ही हम बात कर रहे हैं सेक्रेटरी साहब हमारे जो है नूर मोहम्मद साहब इस बड़े फोकस कर रहे हैं और पहले भी किया है, रिलीजियस टूरिज्म हमारे मेरे इलाके में PP22 में ये हिंगलाज माता है, और ऐसे समझें कि
दिस इज उमरा, जैसे हमारा होता है मुसलमानों के लिए, हिंदू ब्रादरी के लिए इतना ही अहमियत रखने वाली चीज है। तो जैसे एक कॉरिडोर बना कि अपने माइनॉरिटीज आए, अपने जो मजहबी रिवायतें हैं वो पूरी करें, मैं समझता हूँ इसके ऊपर बड़ा काम हो सकता है। और अगर हम रिलीजियस माइनॉरिटीज को हम इंक्लूड करें और इनके लिए एक कॉरिडोर बनाए जिधर वीजा रिस्ट्रिक्शन, वीजा रिलैक्सेशन मिले, तो मैं समझ 2-3 लाख लोग नहीं आएंगे, ये फिर 10-15-20 लाख लोग भी आ सकते हैं। इसकी वजह से एक लोकल इकोनॉमी, जो इकोनॉमिक एक्टिविटी ये बढ़ जाएगी, जैसे फॉर एग्जांपल हमारे रेल्स होगी, खैर वो इट कम्स इनटू स्पोर्ट्स एम्बिट एज वेल, मगर स्पोर्ट्स के साथ ही साथ ये हमारा कल्चर है। रेसिंग 15-20 सालों से जी हमारे कल्चर में, बलूचिस्तान के ग्वादर में आप देख लें, बोलान में था एक साल, और जल नक्सी में हर साल होता है। जो इकोनॉमिक एक्टिविटी होती है, चाहे होटल्स हों, चाहे रेस्टोरेंट्स हों, चाहे पेट्रोल पंप्स हों, ये लोग उधर 5-6 दिन का जो इकोनॉमिक एक्टिविटी है एक साइड पे, और पूरी साल की आमदनी एक साइड पे, तो यही चीज़ें। और जो लोग पाकिस्तान से, पंजाब से, सिंध से, स्कर्दू से आते हैं रेस करने के लिए, वो फिर देखते हैं कि ये बलूचिस्तान का असल चेहरा है, और यही दिखाना है। आखिर में जी यही मैसेज है कि आए, हम सबको दावा देते हैं, चाहे पंजाबी हो, चाहे सिंधी हो, चाहे कश्मीरी हो, चाहे केपीके के लोग हो, आए हमारे बलूचिस्तान को देखें। हम जी एक खुशहाल बलूचिस्तान देखना चाहते हैं, एक अमन अमान, पीसफुल, प्रॉस्परस, डेवलपिंग बलूचिस्तान, एक इमर्जिंग बलूचिस्तान, ये हमारी नीयत है, ये हमारा नजरिया है, और आप लोगों के साथ ये इंशाल्लाह हकीकत भी पा सकते हैं। थैंक यू।